नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्कोजेसिक ऑयल के बारे में। इसका क्या काम है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मार्कोजेसिक ऑयल जो कि इसकी मार्केट प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो 165 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और ये 60 ml की पैकिंग में आता है। फ्रेंड्स, ये हीलर लैब के द्वारा बनाया जाता है और इसकी मार्केटिंग होती है मार्क लेबोरेटरीज के द्वारा। और आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस मार्कोजेसिक ऑयल के फ़ायदे के बारे में, इसका कहां कहां पे यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया, बाद ब्यार, हाथ पैरों में दर्द, चोट, मोच, हड्डियों और जोड़ों में होने वाले दर्द और सूजन, मांसपेशियों में होने वाले दर्द, सीने में जकड़न या सीने में होने वाले दर्द, इन सब में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, चोट मोच में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको मालिश करने से चोट मोच बहुत ही जल्द ठीक हो जाते हैं। बहुत ही बेहतर रिजल्ट है फ्रेंड्स इस मार्कोजेसिक ऑयल का और ये आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें डाइक्लोफेनिक, डाइएथिलामाइन, मेथिल सेलिसिलेट, पिपरमेंट आयल, इकोलिप्टस आयल और टर्पेंटाइन आयल होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा मिश्रण है और बहुत ही जल्द दर्द से आराम दे देता है। और आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी चोट या मोच हो उस स्थान पे 2-3 बूंद 4 बूंद गिरा के इसको अच्छी तरह से मालिश करना होता है और जब तक ये अच्छी तरह से सूख ना जाए इसको मालिश करें। फ्रेंड्स, दिन में कम से कम 2 से 3 बार मालिश करें और इसको लगा के छोड़ दें। और फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको कटे हुए या अन्य फोड़ा फुंसी जैसे जगह पे इसको नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आँखों को भी इससे बचा के रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सावधानियाँ होती हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी मार्कोजेसिक ऑयल के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।